क्या मीठी मीठी बातें करना प्यार होता है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप भागवत गीता के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, मानसिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भागवत गीता मास्टर चाबी है, उसके द्वारा अपनी सभी समस्याओं के ताले खोलना चाहते हैं, आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मीठी मीठी बातें करना क्या प्यार होता है, खास करके लड़कियां इस धोखे में फंस जाती हैं कि कोई भी पुरुष जब उनसे मीठी मीठी बातें करता है तब उन्हें लगता है कि वो इंसान उनसे सच्चा प्यार करता है और उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, वही एक इंसान है जो उसे समझता है। अक्सर जो मीठी मीठी बातें करते हैं उसे लड़कियां समझ लेती हैं कि वो उसे समझता है, वो उसकी फीलिंग की कदर करता है, वो उसकी भावनाओं की कदर करता है, वो ही और वही उनका सच्चा साथी है और लड़कियां उसके प्रति समर्पित हो जाती है, अपना सब कुछ उसे सौंप देती है और उसे ही अपना कर्ता धर्ता भगवान मान लेती है और उससे हर बात शेयर करने लग जाती है। लेकिन लड़कियां अक्सर धोखे में आ जाती है क्योंकि अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाला सच्चा प्यार नहीं करता, वो फोर प्ले की तैयारी कर रहा होता है। अक्सर मीठी मीठी बातें करना फोर प्ले बन जाता है, ये मेरा मनोवैज्ञानिक अनुभव है। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस को हल करने के बाद पता लगा लिया है कि अक्सर मीठी मीठी बातें करना फोर प्ले होता है, काम वासना की शुरुआत होती है। पुरुष किसी लड़की के शरीर को भोगना चाहता है, सीधा कभी कह ही नहीं पाता है, इसके लिए वो मीठी मीठी बातें करेगा और बहुत सारा प्यार दिखाएगा, हमदर्दी दिखाएगा, सहानुभूति दिखाएगा और सब कुछ उसके लिए बन जाएगा ताकि वो हर बात उसे शेयर करे और आगे आने वाले दिनों में फिर वो उसका यूज करता है, शारीरिक या भावनात्मक शोषण करता है। लेकिन लड़की उसके बाद ठगा हुआ महसूस करती है, धोखा महसूस करती है और उसे लगता है कि इंसान ने धोखा दे दिया और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है या वो मानसिक समस्याओं से भी गिर जाती है। लेकिन इसमें करें क्या, लड़की करे क्या, लड़की कैसे परख करे कि सामने वाला इंसान उनसे सच्चा प्यार करता है। देखिए, सच्चा प्यार कभी भी आपसे उम्मीद नहीं रखेगा या सच्चा प्यार कभी भी आपसे अपेक्षा नहीं रखेगा, प्यार देने का नाम है, उसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो आपको सच्ची सलाह देगा, वो आपको गुमराह नहीं करेगा, वो आपकी झूठी बातों को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही आप पर कोई दबाव बनाएगा। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि उसके अंदर करुणा हो, उसके अंदर समझ हो, लेकिन ऐसा नहीं है तो समझ लेना कि वो फोर प्ले की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में वो आपको जैसे ही भोग लेगा उसके बाद वो आपसे दूर भी हो जाएगा। इसमें मैं 100% गलती लड़कों की या पुरुषों की नहीं मानता हूँ, इसमें गलती 50% लड़कियों की भी होती है, दोनों बराबर के हकदार होते हैं। लड़की अपने फ्यूचर को देखकर उस लड़के को अपना सब कुछ सौंप देती है, लेकिन लड़का तो अपना वर्तमान देखता है, उसको अपने फ्यूचर से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लड़कियों ने फ्यूचर में बहुत सारी उम्मीदें आकांक्षाएं पाल रखी होती है, जैसे ही वो अपना वर्तमान लड़का पूरा करता है, चलता बनता है, तो उनका फ्यूचर तो लड़कियों का लूट जाता है, ऐसे में वो ठगा हुआ महसूस करती है। तो लड़कियों को इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर लेना है या इमोशनली किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, एक अपनी अच्छी प्यारी दोस्ती भी रख सकते हैं, दोनों के अंदर समझ है तो सब कुछ संभव है, अगर दोनों ना समझ है तो ना समझों में तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। मेरे दादाजी अक्सर बात किया करते थे कि दो ज्ञानी जन मिलते हैं ज्ञान की बातें होती है और दो अज्ञानी मिलते हैं लात घुसों में बात होती है। तो जैसे ही दो अनमैच्योर अपरिपक्व और ना समझ इंसान प्यार की शुरुआत करते हैं तो गाली गलौज झगड़ा यही होता है। तो ना समझी का प्यार बहुत खतरनाक है, समझदार से दुश्मनी भी अच्छी है और ना समझ से प्यार भी बुरा है।
अक्सर मेरे दादाजी ऐसी बातें किया करते थे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अक्सर कोई मीठी मीठी बातें करे, बहुत सारा आप पर प्यार जताए, आपको हद से ज़्यादा समय देने लगे, आपके बिना वो कुछ कर ना पा रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि फोर प्ले की भाई शुरुआत हो रही है। उसको इन बातों में प्लेजर मिल रहा है, उसकी इड हावी है, वो अपनी बेसिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा कर रहा है। जैसे ही उसकी इड की पूर्ति हो जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। ये इड क्या है और मूल प्रवृत्तियां क्या है, इसके विषय में हम फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे। तो आप कभी भी इस तरह की समस्याओं से परेशान ना हो। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है के कारण आप मानसिक तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी अन्य मानसिक समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग साइकोथेरेपी ले सकते हैं, मानसिक समस्याओं का इलाज भागवत गीता, हिप्नोथेरेपी, CBT और माइंडफुलनेस थेरेपी से बहुत ही आसानी से हो जाता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।